नीमच में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल ने श्रद्धांजलि यात्रा निकाली। ये यात्रा आक्या में हुए सड़क हादसों को लेकर निकाली गई, जिसमें 30 बाइकें सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं जब इस दौरान एक पत्रकार ने कांग्रेस अध्यक्ष गोयल से सवाल किया तो वे काफी भड़क गए। धुनड़का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल ने मऊ नीमच हाईवे पर हो रहे हादसों को लेकर श्रद्धांजलि यात्रा निकाली। ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें 30 बाइक सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि हाईवे पर बने डिवाइडर मापदंड अनुसार नहीं बनाए गए हैं, जिसका खामियाजा हाईवे पर चलने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने हाईवे पर बाइक लेन न होने की बात भी कही। इस पूरी यात्रा के दौरान रोचक बात ये रही कि दुर्घटना के विरोध स्वरूप जो बाइक यात्रा निकाली जा रही थी, इसमें एक भी कार्यकर्ता ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जो हाईवे पर दुर्घटना से बचाव का प्रमुख कारण होता है। वहीं कार्यक्रम में दलौदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परमार ने कार्यकर्ताओं से हेलमेट लगाने की अपील की। श्रद्धांजलि यात्रा के दौरान जब एक पत्रकार ने गोयल से सवाल किया कि आपने अपने उद्बोधन में आक्या में हुए हादसों पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो आप दलौदा की बजाय आक्या से यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे, जिस पर गोयल सवाल के जवाब देने की बजाय पत्रकार पर भड़क गए और कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं, यह कैसा सवाल हुआ, ओरिजिनल बात करें। ये श्रद्धांजलि यात्रा निकाली जा रही है कि आप देख रहे हैं कि ये बीच का डिवाइडर 2 फीट का बना हुआ है और बाइक लेन कहीं से कहीं तक है नहीं है। इन लगातार हो रही मौतों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि यात्रा के रूप में एक विरोध स्वरूप यात्रा निकाली है। ये मलारगढ़ जाके समापन होगा। दलौदा चौपाटी से इस यात्रा का हमने शुभारंभ किया है। अभी तक हमारे किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी हैं, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं, हमारे धुनड़का ब्लॉक के सारे पदाधिकारी इस यात्रा में उपस्थित। संबोधन में कहा है आक्या से यात्रा में भी श्रद्धांजलि के तौर पर आपने जो अभी घटनाक्रम में घटित दुर्घटना में मौत हुई है उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है, क्या वहां से यात्रा प्रारंभ की है? नहीं, हमने हमारा शेड्यूल यहाँ का है ना, आप कैसे बात कर रहे हो? जो वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।